जय हिंद। पाक मीडिया की नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए कृपया डीके यादव न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाएं। वीडियो पसंद आने पर वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आइए देखते हैं वीडियो। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। क्या फॉरेक्स मार्केट के अंदर भी कोई गेम तो नहीं खेल रहा? और किसी की नजरों से ओझल, इसमें कोई ना कोई गड़बड़ चल रही है, बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है। डॉलर कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर। ये क्या शहबाज गिल का ब्लड प्रेशर है कि कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है? ये क्या चक्कर है? इस ड्रामे का हम मालूम करने की कोशिश। शहबाज शरीफ कतर गए हैं भीख मांगने के लिए। 44 आदमियों का डेलीगेशन लेके गए हैं। अबे भीख मांगने गए हो, चलो फाइनेंस मिनिस्टर को ले गए, फॉरेन मिनिस्टर भी नहीं है उसमें, फाइनेंस मिनिस्टर को ले जाओ, फाइनेंस मिनिस्ट्री के कुछ लोगों को ले जाओ, बहुत बहुत ऑयल मिनिस्ट्री 2-4, 10 ले जाओ, 12 ले जाओ, 44 लोगों का। और 3 दिन इतने से कतर में रहेंगे भीख मांगने के लिए, पाकिस्तान को बेचने के लिए। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि चूंकि कौमी असम्बली के स्पीकर साहब जो कि आजकल कनाडा के दौरे पर हैं, वफ्द भी साथ लेकर गए हैं, पाकिस्तान में सैलाब की कोई परवाह नहीं है, राजा परवेज़ अशरफ साहब उनको कोई टेंशन नहीं है, वो गए हुए हैं, मज़े में हैं, मौजें करें, तो वो भी एक रेफरेंस भेज चुके हैं। तो अब ये PDM लेकर आ गई तो वो तो तोशाखाना वाला तो हो गया फारिग। एक चीज़ ये, और इमरान खान साहब भी कहते रहे हैं, क्योंकि इसमें कानून नुकता यह है कि जब आप इलेक्शन लड़ने के लिए जाते हैं तो उस वक्त ये चीज़ें आपने देनी होती हैं। सबको ज़रूरत है कि वो सैलाब जदगान की मदद करें, तो इस वक्त सारे हैं कहां पे, जरा ये आप गौर करें। राजा परवेज अशरफ की क्यादत में 25 रुकनी वफद है, वो कनाडा में है। इनको मालूमात करो, ये क्या सौदे कर रहे हैं, ये क्या डॉलर हिचकोले खा रहा है, हमें भी तो पता लगे कुछ। जी देखिए, आज का आपने बहुत ही अहम टॉपिक पे चुना है और ये बात बिल्कुल सही है आपकी, मैं इत्तेफाक करूंगा कि डॉलर जो है एक स्पेकुलेटिव बिजनेस बन गया है और जिसको उर्दू में अब सट्टेबाजी कहते हैं, और उसमें जो मुनाफा हासिल हो रहा है वो अनप्रेसिडेंटेड है। लेकिन ये सब मैनिपुलेटेड है, ये सब मैनिपुलेटेड है। अब मैं आपको चंद रीज़न बतलाऊंगा डॉलर की। पहले तो हकाइक पे डॉलर जो बढ़ रहा था वो तो ये थे कि हमारे रिजर्व्स कम हो रहे थे, हमारे फॉरेन रिजर्व 7.5 बिलियन रह गए, $20 बिलियन होते थे एक साल पहले। प्रेशर है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, कर्जों का, इसलिए रुपी जो है वो अंडर प्रेशर है और रुपी जब गिरता तो डॉलर बढ़ रहा है। लेकिन जो दूसरे स्पेकुलेटिव फैक्टर्स हैं जो डॉलर को सट्टेबाजी की तरह ऊपर लेके जा रहे हैं, उसमें पहली चीज़ तो है मुल्क में डॉलराइजेशन हो गई है, लोगों का एतबार मुकामी करेंसी पर अब नहीं रहा है, लिहाजा वो डॉलर तकिए के नीचे रखते हैं, $1,000 हों, 5,000 हों, 10,000 हों, ये से ज़्यादा हों, तो डॉलर की तलब बढ़ गई है मार्केट में। दूसरे डॉलर का अफगानिस्तान स्मगलिंग भी हो रही है पेशावर के रास्ते, वहाँ पे मैंने एक वक्त पे मैं रेट चेक कर रहा था तो पेशावर में 250 रुपये का डॉलर और काबुल में 255 रुपये के डॉलर ट्रेड हो रहा था, तो इतना आप फर्क देखें। डॉलर मेन स्ट्रीम नहीं किया ना उनको, इसलिए आपने उनको मेन स्ट्रीम नहीं किया क्योंकि उनके को फॉर्मल आप उनसे चैनल नहीं रख सकते। ये बिल्कुल प्लस डॉलर पर की जो एक दबाव है, अफगानिस्तान की इंपोर्ट जो है उसकी भी पेमेंट हम उनके डॉलर की जो यहाँ से कर रहे हैं। तीसरी चीज़ जो डॉलर का दबाव है कि हमारा फर्नेस ऑयल की 18 से 19 बिलियन डॉलर और खाने पीने की अशिया जरी अजनास की 8-9 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई, जिससे करंट अकाउंट हमारा। ये बड़ी अहम गुफ्तगू हो रही है और इन्होंने बड़ी वजूहात वो बयान की हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है। अवाम की आंखों में धूल झोंक दिया गया, उनको कहा गया हम बड़े प्यारे हैं, हम बड़े अच्छे हैं, बैन अलाकवामी साजिश हो रही है हमारे खिलाफ, ठीक है, हमारे खिलाफ हिंदुस्तान साजिश कर रहा है, हमारे खिलाफ बैन अलाकवामी कुवतें साजिश कर। सर पाकिस्तानियों ने लोगों को कंटेनरों में लाद लाद के यूरोपियाई ममालिक और ऐसे ममालिक में भेजने की कोशिश की जहां पर खुशहाली है, और फिर ये पकड़े जाते हैं। इसकी वजह से पाकिस्तान का नाम बहुत बदनाम हुआ, बहुत बासर लोगों का नाम इसमें है मौजूद।
खान साहब जो कहते हैं बैन अलावामी साजिश हुई, तो खान साहब आप अपने इर्द गिर्द भी देखें ज़रा, हो सकता है कोई बंदा मिल जाए ऐसा। अच्छा खैर एनीवे, दूसरे लोग वो थे जो वेपन्स की स्मगलिंग कर रहे थे, कॉन्ट्राबैंड की कर रहे थे, और कुछ लोग ऐसे मवाद की कर रहे थे जिससे ताबकारी के असरात भी हो सकते हैं। डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, हमारे अपनों ने ही हमें खंजर मारे। खैर आप बता रहे थे, माजरत, मैं इन तमाम वजूहात बयान कर रहे थे के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं डॉलर के सब पता है आपको, सब पता है, आप पीएचडी हैं इस शोबे के, आपको सब पता है। मैं डॉलर के बारे में जरूर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बतलाऊंगा। फिर जब ये देखा कि डॉलर में 240 तक पहुंच गया, तो कुछ एक्सपोर्टर्स ने अपनी एक्सपोर्ट प्रोसेस बाहर रोक ली, यानी जिनको आना था उन्हें आने के बजाय कहा कि 15 दिन 20 दिन हम देखते हैं, डॉलर और ऊपर जाएगा तो हमें फ़ायदा होगा, उसको मंगाएंगे। उससे डॉलर इनफ्लो भी कम हुआ। उसके साथ एक और चीज़ ये देखने में गई कि जो हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंटें थी, यानी कर्जों की अदायगियाँ, क्योंकि IMF का सिर्फ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट साइन हुआ था, IMF की जब तक किस्त आपको डिसबर्स नहीं होती 1.17 बिलियन डॉलर की 7th रिव्यू और 1 बिलियन डॉलर के 8th रिव्यू, मुबैना डॉलर के साथ ऐसे ही खेल होता रहेगा। मुबैना शरायत में शायद ये शामिल है, शायद ये शामिल है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाना आपने बढ़ाए। तब 44 आदमी 5-स्टार होटलों में ठहर रहे हैं, लेविश गाड़ियों में घूम रहे हैं, और फिर वहां पे जाके ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि कतर इन्वेस्टमेंट कर रहा है पाकिस्तान में 3 बिलियन डॉलर की। इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इन्वेस्टमेंट ये होती है कि आप किसी मुल्क में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ इंडस्ट्री लगाएंगे, वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट करेंगे जिससे वहाँ लोकल एम्प्लॉयमेंट बनेगी, जिससे वहाँ पे लोकल लोगों को भी फायदा होगा। ये क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? इस्लामाबाद एयरपोर्ट कतर के हवाले कर दिया, बेच दिया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के सारे राइट्स कतर के पास दे दिए। कैपिटल है पाकिस्तान का इस्लामाबाद। किसी सॉवरेन कंट्री में आपने कभी यह सुना है, वो भी न्यूक्लियर पावर कंट्री जिसका आप क्लेम करते हैं कि दुनिया की सबसे मजबूत आर्मी, तो बहादुर आदमी, तो फलान तो ढुमकान, कैपिटल का एयरपोर्ट बेच दिया कतर को, ये इन्वेस्टमेंट है। दूसरा क्या बेचा? पाकिस्तान की डिफेंस मिनिस्ट्री का एक कॉरपोरेशन है PIA, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। PIA की मिल्कियत में रोजोवेल्ट होटल न्यूयॉर्क है, जो बिलियंस ऑफ डॉलर का है, वो बेच दिया कतर को। ना पाकिस्तान को इन इन्वेस्टमेंट से कोई एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, ना कोई प्रॉफिट आएगा, ना कोई बेनिफिट आएगा, ना कोई टेक्नोलॉजी आएगी। जो आपके अपने एसेट्स हैं वो आप बेच रहे हैं। ये मुजम्मिल असलम साहब का ट्वीट है, वहां से मैं आपको बता रहा हूं कि राजा परवेज अशरफ साहब की क्यादत में जो स्पीकर है कौमी असेंबली के, 25 रुकनी वफद कैनेडा जा चुका है। वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ की क्यादत में 44 रुकनी वफद जो है वो कतर जा चुका है, और मौलाना साहब तुर्की जा चुके हैं, हमजा शहबाज लंदन जा चुके हैं। तो सारी की सारी हुकूमत तो निकल ली है। और बकौल हारून रशीद साहब के, बिलावल भुट्टो जरदारी इसलिए यूरोप के दौरे पर नहीं गए कि वहां पे कुछ वज़राए खारजा ने उनसे मिलना था, कुछ आला अहदेदार ने उनसे मिलना था, लेकिन उन्होंने मसरूफियात की वजह से मिलने से इनकार कर दिया, और उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी दौरे पर नहीं गए। अब दौरे पर तो नहीं गए, इससे पहले भी वो दौरे पर ही रहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी जब से वजीर खारजा बने हैं, उन्होंने तो एक ट्रिप शुरू किया हुआ था और वो पूरी दुनिया ऐसा लगता था चक्कर लगा के वापस आएंगे। तो बिलावल भुट्टो जरदारी अब जो हैं वो सिंध में मौजूद हैं, और उन्होंने ये कहा कि हम इनकी मदद करेंगे सलाम जदगान की। पहले ही दिन जब वो मदद के लिए गए तो साथ ही उन्होंने ताने देना शुरू कर दिए पाकिस्तान के मीडिया को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग पाकिस्तान के मीडिया को जिम्मेदार करार दे रहे हैं इस सैलाबी सूरत हाल के लिए, और उनका यह कहना है कि मीडिया इस्लामाबाद और बनीगाला इसको दिखाना बंद करे और सैलाब को दिखाए। तो बात यह है, जगाना किसको है? क्या पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि मीडिया बिलावल को और मुराद अली शाह को जगाए और उन्हें ये कहे कि आप सिंध के अंदर सैलाब जदगान की मदद करें? हमारी ज़रूरत क्यों है आपको जगाने के लिए? आप खुद से क्यों नहीं जागते? आप खुद से मदद क्यों नहीं करते? तो फौरी तौर पे तमाम वसायल बुरुएकार लाए जाएं और इस वक्त दुखी इंसानियत का हाथ थामा जाए, ये इस वक्त का तकाजा है।
वरना लोग इस बात को याद रखेंगे कि वो डूब रहे थे और उस वक्त कोई नहीं आया और अब सारे वोट मांगने के लिए आ रहे हैं। किसी का फोकस इस बात की तरफ है ही नहीं कि पाकिस्तानियों की जान बचानी है। सबके सब ये देख रहे हैं कि इलेक्शन कब आएगा, अगले इलेक्शन को कैसे जीतना है, इमरान खान को कैसे बाहर रखना है, अपने आप को कैसे अंदर लेकर आना है। 13 पार्टियां मिलकर हुकूमत कर रही हैं, 13 पार्टियों का एक इत्तेहाद बना हुआ है। ये 13 पार्टियां मिलकर क्या गरीबों की मदद नहीं कर सकती? और इनसे दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान बाढ़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित है, लेकिन पाकिस्तान की सारी हुकूमत विदेशों में ऐश कर रही है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि मौलाना से लेकर पाकिस्तान के फकीर आजम वजीर आजम तक सारे के सारे मुल्क से फरार हैं, सारे लोग भीख मांगने में लगे हैं। पाक मीडिया ने बताया कि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद का एयरपोर्ट से लेकर मिलिट्री डिफेंस तक कतर के हवाले कर दिया है। पाकिस्तानियों को एक एक पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पाकिस्तान को कहीं से भी पैसे आना चाहिए, जिसके लिए पाकिस्तान अपनी पूरी जायदाद बेचने को तैयार है। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।